अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फॉर यू कुकिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पाइसी मसाला स्वीट कॉर्न की रेसिपी, जो बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने लिए हैं घर के फ्रेश कॉर्न, जो भुट्टा होता है उसी के सीड मैंने अलग करके रख लिए हैं। आप जो बाज़ार में मिलते हैं फ्रोज़न कॉर्न, तो आप वो भी ले सकते हैं। और देखिए, ये पानी मैंने रखा था बॉईल होने के लिए, तो ये बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ये सारे कॉर्न सीड डालकर इसे बॉईल कर लेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। और इसी के साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसे अब हम 6 से 7 मिनट बॉईल करेंगे अच्छे से, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो 6 से 7 मिनट अच्छे से बॉईल करने के बाद हम इसे छान लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे छान लिया है। अब हम इसे रख देंगे साइड में और इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे पर। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच मक्खन ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे 1 टाइम सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, हमें एक इनाम होता है। अब हम इस मक्खन में ऐड करेंगे कॉर्न सीड्स। कॉर्न सीड को हम मक्खन में 2 से 3 मिनट अच्छे से पहले भून लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सारे पाउडर मसाले। तो कॉर्न सीड को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो ये नमक मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस याद रहे कि इसमें हमने बॉईल करते वक्त भी नमक ऐड किया था, तो उस हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करें। अब इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, जो कि मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। तो इसे भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसमें जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे और 2 मिनट इसे पकाएंगे और इसके बाद ये रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो ये देखिए, ये इस तरह के छोटे छोटे प्यारे से कप में मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो इस रेसिपी को आप शाम के वक्त बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो स्पाइसी मसाला कॉर्न है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।